हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नारियल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो नारियल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट अभी हमें मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी राखी निकली है, तो ऑलमोस्ट सभी घर में नारियल अवेलेबल होगा ही। तो हम उसी नारियल से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मिठाई बनाने वाले हैं जिसका नाम है नारियल के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी नारियल का बुरादा जिसे हम सूखा नारियल या खोपरा भी बोलते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है रेडीमेड, या फिर आप इसे घर पर भी बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आप ये किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर नेस्ले का लिया है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने लिए है 1/2 कटोरी शुगर जिसे कि मैंने बारीक पीस लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी बर्तन, कोई भी कटोरी या कोई भी कप ले सकती हैं, लेकिन आप जो भी बर्तन लेते हैं उसमें दूध, नारियल और मिल्क पाउडर तीनों इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए और शुगर 1/2 क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी हमारी मिठाई जो है वो परफेक्ट बनेगी। मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी ये दूध। ये ऑलरेडी उबला हुआ दूध है जिसे कि मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब मैं इसे हल्का सा गर्म होने दूंगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से हिलाना है और इसे तब तक हिलाना है जब तक कि नारियल का बुरादा जो है वो सारा दूध अब्सॉर्ब ना कर ले, और मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और सारा दूध जो है नारियल अब्सॉर्ब कर लेगा। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए, हमारे नारियल ने सारा दूध सोख लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मिल्क पाउडर। अब हमें इसे भी बहुत अच्छे से हिलाना है, इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए वरना हमारे लड्डू जो है वो फट जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से हिला लिया है, अब ये बनकर रेडी हो गया है। इसमें मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा है लो फ्लेम पर। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये शुगर। हमें बहुत ज़्यादा गर्म में शुगर नहीं डालना है क्योंकि शुगर गर्म चीज़ के साथ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, फिर हमारे लड्डू जो है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हमें इसे हल्का सा ठंडा होने देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हमें लड्डू बहुत ज़्यादा छोटे या बड़े नहीं बनाना है, हमें मीडियम साइज़ के लड्डू ही बनाना है जो कि मार्केट में मिलते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम सारे लड्डुओं को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये लगभग 10 लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इन सारे लड्डुओं की इस नारियल के बुरादे से कोटिंग करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। इससे इनकी लुकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी, ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेंगे और खाने में तो अच्छे लगेंगे ही। हम सारे लड्डुओं की इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे नारियल के बुरादे से। ये देखिए, मैंने सारे लड्डुओं की कोटिंग कर ली है नारियल के बुरादे से। अब ये खाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे घंटे भर फ्रिज में रखने के बाद भी खा सकते हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे नारियल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे इस रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।